हो गए तुम? कुछ नहीं, वो मैं... बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, वो कुछ नहीं, बस यो। लगता है आजकल काम का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही ले रहे हो। लेकिन बस, अब और नहीं। काम उसी हद तक अच्छा है जब तक शरीर साथ दे। आज से हमारा हर रिश्ता खत्म। मंगलसूत्र जो तुमने मेरे गले में बांधा था, इसके विश्वास का हर मोती आज टूट कर बिखर गया है। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। काजल, मैं ठीक हूँ। या श्योर? तो ठीक है, एक मिनट के लिए मेरे साथ आओ। कहाँ? चलो ना। चलो ना देव। काजल, तुम मुझे कहाँ लेके आ रही है? मंगलसूत्र जो तुमने मेरे गले में बांधा था, इसके विश्वास का हर मोती आज टूट कर बिखर गया है। देख देख, इसकी क्या जरूरत? बस एक छोटी सी कोशिश थी वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड को थैंक यू कहने की। सच कहूं तो देव, ये कोशिश करने की कोशिश मैं काफी वक्त से कर रही थी। आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, समझ नहीं आ रहा था उसके लिए तुम्हें थैंक्स कैसे कहूं। वाकई देव, मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। एक ऐसा पति जो आंखें मूंद कर अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जानती हूं देव, पिछले कुछ दिन हमारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहे। लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, जिस तरह आदित्य और मेरे नाम को साथ छोड़ा, यहां तक कि शिवांश ने तो आदित्य और मेरी झूठी तस्वीरें भी पूरी दुनिया के सामने बांट दी। लेकिन तुम्हारा मुझ पर विश्वास फिर भी कायम रहा। शायद तुम्हारी जगह और कोई होता तो मजबूर होकर एक बार तो मुझ पर शक करता है। लेकिन तुम मेरी ताकत हो देव। कल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानती हूँ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। यही ना, that you love me. जानती हूँ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। यही ना, that you love me. I love you too. कभी कोई शिकायत नहीं थी जिंदगी से। भगवान जिस भी रास्ते से ले जा रहा था, मैं करण का और वो मेरा हाथ थाम कर दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन पैसों की भूख और लालच ने सब खत्म कर दिया। करण ने अपनी खुशियों को खुद अपनी ही नजर लगा दी है।
मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने आया। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। जो कुछ तुमने इस परिवार के साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। नंदनी प्लीज ऐसा मत कहो, मुझसे इस तरह मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुमसे जो भी गलतियाँ हो गई, तुम जो भी सजा देना चाहते हो, लेकिन मुझे दूर जाने के लिए मत कहो तुमसे। करण, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मुझसे ज्यादा तो तुम देव और इस परिवार के गुनेगार। जब तक देव तुम्हें माफ नहीं कर देता तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। नंदनी ठीक कह रही है, इस घर में वापस पहुंचने का जरिया शायद अब देव ही बन सकता है, और उसके लिए मुझे सबसे पहले शिवान से मुलाकात करनी होगी। त्यागी, त्यागी जी, बदले फोन करके मुझे बुलाया कि वो आदमी मिल गया और खुद ही गया। त्यागी, जिससे मिलने के लिए आए हो उसका चेहरा तो देखते जाओ। जो काफी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसकी तुम्हें तलाश थी, मतलब ये जो तुम्हारा त्यागी है, इसी ने मुझे काजल और आदित्य पर हमला करने के लिए भेजा। जैसे क्यों मार दिया? जीना मुश्किल कर दिया था मेरा, सवाल पे सवाल हाथ धो के पीछे पड़ गया था। इसके सवालों का जवाब तो तुम्हें अब भी देना पड़ेगा। जब तुम्हें काजल और आदित्य को मारने के लिए भेजा गया था तो उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसने मुझे ये नहीं बताया था कि ये मुझे किसे मारने के लिए भेज रहा है। जब मैं वहां पर पहुंचा तब मुझे पता चला कि वो तो मेरी अपनी भाभी थी। और काजल तुम्हारी भाभी है? हाँ, और देव मेरा छोटा भाई। घबराओ मत, देव और मैं तो सिर्फ कहने के लिए भाई हैं। आज मैं जो दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ वो सिर्फ उसी की वजह से है, और मैं अपनी तकलीफों का पतला लूंगा किसी भी तरह। भाई भाई का दुश्मन, लगता है काफी गहरी चोट पहुंचाई है। जरूरत से कहीं ज्यादा, कहने के लिए तो मैं बड़ा था लेकिन हमेशा छोटा मुझे ही बनना पड़ा। मैं वो बिजनेस हो घर हो, हर जगह देव ही देव, देव ही देव। लगता है हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। डोंट वरी, मेरे पास में एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से दूर कर देगा। मेरे पास में एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें देव ने खुद कबूल की है कि वो आदित्य और काजल को मरवाना चाहता है। अगर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है तो वो हमारे बहुत ही काम आ सकती है, लेकिन हमें उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे कि सांप नहीं बढ़ जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, फिर तो मैं जानना चाहूंगा क्या है तुम्हारा प्लान। बोलिए दुबे जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। बोलिए क्या बात है? सर, वो साहब आपसे मिलने आए। कौन साहब? कहते हैं देव साहब के भाई है। बस साहब, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब किया। कहाँ बैठे? वो वहां बैठे हैं। देव साहब के भाई?
करण प्रताप सिंह। हाय, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, मगर आपसे कभी पहले मुलाकात नहीं हुई। एक्चुअली मैं बहुत दूर चला गया था अपने घर से और परिवार से। अब मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर अचानक ऐसे। मुझे सुनने में आया है कि आप देव के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, मगर मैं आपका मतलब नहीं समझा। मुझे आपकी मदद चाहिए। काजल, शिव मंदिर के पीछे जो मैदान है वहाँ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। रोक सको तो रोक लो, वरना देते हैं। अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर कुछ जरूरी बात भी करनी थी तो कर सकते हैं। देते, अगर कोई जरूरी काम था तो घर बुला लेते। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चार दीवारी के बाहर करना ही बेहतर होता है। मतलब तुम मुझे और काजल को मरवाना चाहते हो? जवाब दो देव, तुम मुझे और काजल को मरवाना चाहते थे? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि बात सच। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में शक आ गया था कि काजल तुम्हारी पीठ पीछे। तुमने सोच भी कैसे लिया थे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी घटिया बात अपनी पत्नी के बारे में सोचते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि काजल तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकती है? देव, मैं तो पराया, मगर काजल तो तुम्हारी अपनी पत्नी है। काजल तो वो लड़की है देव, जो तुम्हारे अलावा खुद पर किसी और की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर फिर भी तुमने उसके इरादों पर शक किया। आदित्य, मैं सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन सफाई नहीं देव, तुम सिर्फ सजा के काबिल हो। अरे तो तुम पागल हो गए। अरे तो ये क्या कर रहे हो?
वाओ, अमेजिंग, इसे कहते हैं बुलसाई, हाँ? पति के हाथों तो उसका खून हो गया और इकलौते चश्मदीद गवाह है पति व्रता पत्नी। अरे देव, मैं तो भूल ही गया तुम्हारी वो अमानत मैंने बहुत बचा के रखी है, संभाल के रखी है। अब जबकि काजल भी यहीं पे है तो सोचता हूँ वो भी दिखा दो। सजा तो काजल को भी मिलनी चाहिए। मन तो करता है कि उसे ऐसी सजा दूं, ऐसी सजा दूं कि मैंने उसे मारने की कोशिश भी की लेकिन आखिरी मौके पर पता नहीं क्या हुआ मेरे हाथ काम उठे। मिसेस काजल प्रताप सिंह, मैंने सुना है और इनफैक्ट देखा भी है सच का साथ देने का और सच के लिए लड़ने का आपको हमेशा से शौक रहा। नहीं, अब तो तुम्हें चश्मदीद गवाह अपने इस प्यारे दोस्त की मौत का। राइट, सो नाउ व्हाट, क्या करेंगे आप? अपने पति देव के खिलाफ गवाही दोगी या सच के खिलाफ जाओगी? चाहे आप जो भी, मुझे तो मजा आ गया। कब से सोच रहा था कैसे हटावा देते हो अपने रास्ते से। पहले उसे ड्रग्स के केस में फंसवाया, फिर वो लड़की इस पार्टी में मेरे हाथ से मर गई, लेकिन फिर भी मैंने आदित्य को फंसवाने की कोशिश की। फिर आदित्य और काजल की तस्वीरें छपवाई और फिर देव को लेकर तुम दोनों के ऊपर हमला करवाया। बट नो, आई फेल्ड। लेकिन आज आज आदित्य मेरे रास्ते से हट गया, हमेशा हमेशा के लिए। आदित्य की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और मुझ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इसे कहते हैं सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। हाँ, यू आर अमेजिंग। आयुष्मान कपूर, यू आर जस्ट अमेजिंग। आई कॉल फॉर अ टोस्ट। देख, आज मैंने एक जाम शिवांश कपूर की कामयाबी की। इतनी जल्दी नहीं शिवांश कपूर, इतनी जल्दी नहीं।